लिखोगे? सिमेट्री में लिखो। एन इक्वेशन ऑफ कर्व, एन इक्वेशन ऑफ कर्व वी टेक या वी चेंज एक्स वाई माइनस, या ऐसे लिखो आप, वी वी टेक, टेक की जगह रिप्लेस लिख दो, वी रिप्लेस एक्स वाई माइनस एक्स, वी रिप्लेस एक्स वाई माइनस एक्स एंड y y माइनस वाई, अब इक्वल लगाओगे अजीब सा लगेगा वहां, एक्स वाई माइनस एक्स एंड y y माइनस वाई, देन इक्वेशन ऑफ कर्व अनअल्टर्ड, देयरफोर कर्व इज सिमेट्रिक, देयरफोर कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, देयरफोर कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, नेक्स्ट लिखो। दूसरा पॉइंट क्या है? ओरिजिन में लिखोगे ये बताओ, कोई भी कांस्टेंट टर्म है क्या? लिख दो, देयर आर नो कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, देयर आर नो कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, सॉरी, देन कर्व पासे थ्रू दी ओरिजिन, देन कर्व पासे थ्रू दी ओरिजिन, नेक्स्ट लिखोगे, इसी में अभी उसका वो निकालोगे ना, टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट ओरिजिन क्या बनेगी? ये मिनिमम डिग्री वाली टर्म है ना, इसको जीरो लिखोगे ना, a स्क्वायर x इक्वल टू 0 इंप्लाई x इक्वल टू 0, ये हो गई ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट लिखोगे, अगला क्या आएगा? एसएमप्यूट्स, एसएमप्यूट्स कोई होगा क्या? एसएमप्यूट्स पैरेलल टू एक्सिस, ये बताओ पैरेलल टू एक्सिस होगा क्या? पैरेलल टू एक्सिस तो नहीं होगा, लेकिन आप देखो ये जो क्वेश्चन है ना, और एक आपको और कराया था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू थ्री एक्स वाई की फॉर्म है, याद है ना? क्या ये उसी फॉर्म में नहीं है क्या? देखना इसको, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस का ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, बी टेक एक्स इक्वल टू वन कॉमा वाई इक्वल टू एम, देन थ्री और वन डिग्री का है तो उससे लिख दो, एक ही बात एफ ऑफ थ्री को डायरेक्ट जीरो की इक्वल टू कर दो, ठीक है ऐसे लिख दो, ये लिख दो विच इज ए फॉर्म ऑफ y = -x, ये एसएमक्यूट्स हो गया y = -x वाली लाइन,
लिख दो। हो गया। नेक्स्ट लिखो एसएमक्यूट्स के बाद में क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्सिस। क्या आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट? इफ एक्स इक्वल टू जीरो इंप्लाइज वाई इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो जीरो रखोगे वाई जीरो आएगा ना। एफ वाई इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या बनेगा? वाई जीरो रखोगे तो कॉमन लीजिए इसमें से एक्स कॉमन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। क्या बनेगा? एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस ए और एक्स इक्वल टू ए। कोई प्रॉब्लम? अच्छा एक्स की वैल्यू ये निकल आई तो पॉइंट क्या बने? पॉइंट्स क्या लिखोगे? देखो एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस ए वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू ए वाई की वैल्यू जीरो। कोई प्रॉब्लम? ये क्या हो गया यहाँ? इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए ना। नोट कीजिए इसको। क्या बीमारी की बात? आगे समझे इसमें। अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, लिख लिया हमने। अब आप क्या करोगे? रीजन निकालोगे। लिख दो रीजन। रीजन निकालने के लिए देखो बाई के लिए सॉल्व हो जाएगा ना। इनको वो मैं भी कह रहा हूँ एक बात अभी कल दिया था ये, अरे मैंने आज मंगाया, आज दिया है फिर कल मंगाना पड़ेगा मेरे को। देखो अगला पॉइंट डालो। रीजन रीजन में लिखोगे वी सॉल्व द इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर वाई। क्या बनाइए? वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। कितना ये? वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की पावर वन बाई थ्री। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं।
अब आप क्या करोगे सुनो, जितना आपने अब तक किया उसके अकॉर्डिंग डायग्राम इसके बाद में क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से जीरो जीरो माइनस ए जीरो ए जीरो ये तो हो जाएगा इधर ए जीरो इधर हो जाएगा माइनस ए जीरो कोई दिक्कत ठीक है ये लाइन टेंजेंट लाइन है ठीक है ना अब आप क्या करोगे पहले टेबल बनाओ इसको तो हटा दे यहां से इसकी एक टेबल तैयार y इक्वल टू क्या आया था वहां से अरे y की वैल्यू क्या निकली a स्क्वायर x माइनस x क्यूब इसकी पावर कितनी है 1/3 x की वैल्यू और y की वैल्यू समझे सर x की वैल्यू क्या है x इक्वल टू 0 रखोगे तो y 0 आएगा ना पॉजिटिव डायरेक्शन में देख ले अपन नेगेटिव में तो अपने आप ही हो जाएगा तो पॉजिटिव में देखो क्या आएगा ए पे देखें या ए के बीच में कोई पॉइंट देख लो ए बाई टू पे ए बाई टू रखोगे तो क्या आएगा एक्स की वैल्यू ए बाई टू पे सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए बाई टू माइनस का ए क्यू बाई टू और इसका होल क्यू क्या है ए क्यू बाई एट आएगा है ना सब भरो और एक क्यू माइनस एक क्यू 1/3 है ना ये एक क्यू को बाहर निकालोगे ए बन के निकलेगा कितना आएगा ये 4/8 लिख दें माइनस 1/8 3/8 आया तो √3/2 नहीं ये 3 की पावर 1/3 और ये 2 और ये और है ये तो बना अब 3 की पावर 1/3 आप नहीं निकाल सकते यानी ऐसे लिख सकते हो ए बाई टू 3 की पावर 1/3 ठीक है ना कुछ तो वैल्यू होगी इसके बाद क्या ए पे ही पहुंच जाओ ए पे क्या आएगा जीरो हो जाएगा ए के बाद में और पहुंच जाओ टू ए पे टू ए रखोगे तो क्या आएगा यहाँ टू ए क्यू माइनस एट ए क्यू इधर तो नहीं है कितना आ रही है नेगेटिव आएगा ना अच्छा एक काम कर लो यहाँ से जी नहीं बन रहा यहाँ से जैसे कैलकुलेशन नहीं बन रही तो ऊपर रखो x की वैल्यू 2 रखोगे ना तो y की इक्वल टू क्या आया 2aq माइनस 8aq कितना बना ये y की इक्वल टू माइनस का 6aq कितना बना ये y की प्लस 6aq को क्या लिखोगे 3a की पावर 1/3 इसका सॉरी इसको लिख सकते हो कितना 6 पे बदलोगे ना इसको लिखोगे 6 की पावर 1/3 ए इसका होल क्यूब लिख सकते हो ना एक बार बताओ आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाओगे तो ए प्लस बी बनेगा कितना बनेगा ए प्लस बी तो ये बनेगा वाई प्लस 6 की पावर 1/3 ए ऐसा कुछ बनेगा ना अच्छा फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में भी फॉर्मूला बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यू प्लस बी स्क्वायर तो उससे वैल्यू नहीं निकलती है अल्टर वगैरह आएगी तो ये वैल्यू नहीं निकलेगी यहाँ से क्या बनाएंगे वाई प्लस 6 की पावर 1/3 ए इक्वल टू 0 तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या निकली माइनस 6 की पावर 1/3 ए कोई प्रॉब्लम तो यहाँ रख दो कितना आया ये 6 की पावर माइनस में आया माइनस में आया ना माइनस का 6 की पावर 1/3 ए अभी 3a पे निकालोगे ऐसे 4a पे निकालोगे
पर छोड़ो हम नहीं निकाल रहे। अब सुनो क्या रहेगा इसमें, देखिए ये क्या टेंजेंट लाइन है ना, x इक्वल टू जीरो क्या टेंजेंट लाइन है, और कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, उससे भी पास हो रहा है ये जीरो से, और देखना आप देखो जीरो जीरो से पास हो रहा है कर्व, तो कर्व यहाँ से पास हो रहा है जीरो जीरो से। दूसरा देखो a by 2 पे क्या है, पॉजिटिव है, a by 2 पे वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो a by 2 तो यहाँ होगा, इस पे वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कुछ ऐसे ऊपर मिलेगा पॉइंट, है ना। फिर क्या आया a पे कितनी है जीरो, और a पे जीरो मतलब कर्व है ना ये टेंजेंट लाइन है, तो कर्व है ना ओरिजिन से पास होते हुए इसको टच करते हुए ऊपर जाएगा पहले, और कहां से पास हो रहा है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से कुछ इस तरह पास हुआ है, और फिर कहां है, इसका मतलब है एंट्री चल रहा है ये। और देखिए फिर क्या है, a पे जीरो है, a पे कितना है जीरो, तो ये यहां से इस पॉइंट से पास होगा, ठीक है ना। और क्या होगा 2a पे क्या है, नेगेटिव 2a पे, तो 2a पे नेगेटिव थोड़ा सा ये इस तरह नहीं रहेगा, कुछ इस तरीके से आएगा। 2a पे कैसा है, 2a कहां होगा, ये a है तो 2a कुछ इधर होगा, 2a पे कैसा है, नेगेटिव मतलब कुछ इधर जाके बोलेगा, लेकिन ऐसे आएगा ये देखो, अब मैं बना दे रहा हूं इसको 2a पे जाके, ये क्या है एसएमट्यूड्स है ना, और एसएमट्यूड्स को क्या होता है कर्व इनफाइनाइट पे टच नहीं करता, बस तो ये जो कर्व है ना ऐसे जाएगा ऐसे करके कुछ इस तरह से ऐसे, समझे कि नहीं। लेकिन जैसा इस वाले साइड में है वैसा ही क्या हुआ इस साइड में, अपोजिट की कर्व देखिए, अभी अगर आप नेगेटिव में लेते ना, नेगेटिव में लेते तो ये तो इसका क्या है टेंजेंट लाइन है ही, तो ये कर्व ना ऐसे करके इसको टच करके आता और ऐसे करके आता, यहां से पास होके जाता है कुछ इस तरीके से, और ये जब जाता तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन इसको कुछ इस तरह से यहाँ इधर ऐसे बनता। अब पॉइंट्स ज्यादा रख रख के निकाल ले तो क्लियर हो जाएगा और भी, तो हमने तो यही पॉइंट निकाले तीन चार, लिख दो इसको, देखिए माइंड तो आपको लगाना पड़ रहा है, लगाना पड़ेगा बनाने के लिए, करो इसको नोट करो डायग्राम को,
क्वेश्चन टिक कीजिए जो करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 टिक करो। 16वें नंबर का क्वेश्चन और पहले का भी छोड़ सकते हो आप, पहले का भी छोड़ सकते हैं हाँ, और क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक बस। एक 16वें नंबर का और बताया था ना बस, हाँ यानी पहले का भी छोड़ सकते हैं आप और एक से लेकर के 10 तक, इसके बाद 16वें नंबर का क्वेश्चन। अब रही बात किसकी, पोलर फॉर्म की, पोलर के क्वेश्चन है ना यही है फिक्स, वहां भी आएंगे इसीलिए हम उसके साथ समझा देंगे आपको, ठीक है ना। अगर यहाँ आपको सिखाते हैं तो फिर वहां हम डायरेक्ट बनाएंगे, फिर ये मत कहना कि कैसे बना डायग्राम, हम यही कहेंगे कि वहां से लिख दिया सीधे, तो बेटर ये रहेगा, उसके साथ ही समझा देंगे इसकी कंप्रेसिंग, वहां भी क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन में, तो आप कल से क्या करोगे इंटीग्रेशन की बुक लाओगे, ठीक है ना। कल से आप इंटीग्रेशन लाना, और कोई डाउट हो इसका मत पूछ लेना, ऐसे नहीं रख के बैठे रहे, ठीक है ना, पूछ लेना इसमें से भी।